तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू होने वाला है वनडे मैच का सीरीज। या दोस्तों बता दें कि यह सीरीज बेहद ही अहम है क्योंकि अब होने वाला है वनडे वर्ल्ड कप, इसके लेकर सभी टीमें तैयारियां शुरू कर दी है। तो दोस्तों ऐसे में यह सीरीज का अहमियत और भी बढ़ गया है दोनों टीमों के लिए। तो दोस्तों बता दें कि भारतीय टीम का स्क्वाड पहले ही BCCI घोषित कर दी थी बांग्लादेश दौरे के लिए ODI मैच के लिए, लेकिन बीच में फिर से बदलाव किए भारतीय टीम के स्क्वाड में कुछ। तो दोस्तों इसी के बारे में आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले बता दें कि वनडे मैचेस कब और कहां पर खेले जाएंगे भारत और बांग्लादेश के बीच। तो दोस्तों बता दें कि पहला वनडे मुकाबला जो कि 4 दिसंबर को होने वाला है, या दोस्तों यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार 12:30 पर शुरू होगा। वहीं दोस्तों बात करें भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा वनडे मुकाबला जो कि होने वाला है 7 दिसंबर को, या दोस्तों यह भी मुकाबला भारतीय समय अनुसार 12:30 पर शुरू होगा दोपहर में। इसके अलावा तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला होने वाला है भारत और बांग्लादेश के बीच 10 दिसंबर को, यह भी मुकाबला भारतीय समय अनुसार 12:30 पर होने वाला है। तो दोस्तों बात करें भारतीय टीम का क्या है स्क्वाड बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए, तो दोस्तों वह कुछ इस प्रकार से। रोहित शर्मा जो कि भारतीय टीम के कैप्टन रहेंगे, KL राहुल को भारतीय टीम को वाइस कैप्टन बनाया गया है, शिखर धवन, विराट कोहली, रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर, राहुल त्रिपाठी, ऋषभ पंत, ईशान किशन, शहबाज अहमद, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, दीपक चाहर, कुलदीप सेन। तो दोस्तों यह है भारतीय टीम का फाइनल स्क्वाड बांग्लादेश के। तो बता दें कि संजू सैमसन और उमरान मलिक जैसे खिलाड़ी को भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है बांग्लादेश दौरे के लिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है भारतीय टीम का कैसा रहने वाला है प्रदर्शन बांग्लादेश के खिलाफ, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।